नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? सर हम शिक्षा मित्र बोल रहे हैं शामली से। बताइए। सर हमें एक बात की जानकारी लेनी थी आपसे। सर जो ये मतलब शिक्षा मित्र का जो समायोजन होगा, आपसे जो हमें सूचना मिलते हैं, हम आपकी हर वीडियो सुनते हैं, तो सर जो ये समायोजन होगा क्या ये मतलब जिले के अंदर ही रहेगा या जिले से बाहर भी होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप उन्हें पढ़ा नहीं, उसमें लिखा हुआ है 10 किलोमीटर के दायरे में आपका जहाँ भी निवास स्थान होगा। कितना सर समझ में नहीं आया? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जी उसी दायरे में जी। तो 10 किलोमीटर ज्यादा तो नहीं है? नहीं सर, हमारा तो जैसे हम तो मायके में रहते हैं सर, ससुराल हमारा तो 65 किलोमीटर पड़ता है अदर डिस्ट्रिक्ट। अरे आप जहाँ रहती हैं, जो एड्रेस आप देंगी, जो जिला आप देंगी, तो आपके एड्रेस से 10-15 किलोमीटर के रेंज में रहेगा, तब तो ठीक है ना? नहीं सर, जब तो ठीक है ना, इसलिए पूछा सर। जैसे हमारा 2013 में जब हमारा समायोजन हुआ था, पीछे जो हुआ था उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अब सब कुछ नए तरीके से होने जा रहा है। पीछे वाला तो सब कैंसिल हो गया ना, रद्द हो गया समायोजन, तो पीछे से यही जी। बोलिए सर। मैं यही जाए, क्योंकि यही कंफ्यूजन था कि कभी जिस तरह पहले हुआ था उसी अगर उसी बेस पे होगा तो फिर तो मगर हम तो यहाँ के यही रह जाएंगे। जब भी होगा तो फॉर्म भरवाए जाएंगे, उसमें डिटेल मांगा जाएगा आपके बारे में, आप अपने बारे में सारी जानकारी देंगी, उसमें पूछा जाएगा कि आप कहाँ चाहती हैं, तो आपको उसमें ऑप्शन देना होगा जिलों का जी सर। तो आपको अपने जिले में मिल जाएगा जो आप पहला नंबर देंगी, ठीक है? जी सर, जी। भले उसी जिले में मिल जाएगा। बाय चांस अगर ऐसा होता है कि उस जिले में आवेदन करने वाले ज्यादा हैं, पद कम, वैसे होगा नहीं क्योंकि पद तो करीब 8-10 लाख हैं पूरे यूपी जी सर, जी। तो हर व्यक्ति को मिल जाएगा अपना जिला, लगभग 80% लोग मानकर चले कि उनको अपना जिला मिल जाएगा, और जो 20% लोग होंगे उनको अगल बगल कहीं बगल वाला जिला मिल जाएगा। अब महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, आप महिला हैं जी सर, विकलांगों को, महिलाओं को, इस तरह से उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो प्राथमिकता के आधार पर आपको, तो महिला हैं, अपना ही जिला मिल जाएगा 10-20 किलोमीटर के दायरे में रहेगा। हो सकता है 10-20 किलोमीटर भी ना हो और भी कम हो जी सर। अभी कितनी दूर आना जाना होता है सर? अब तो 65 किलोमीटर आना जाना होता है, तो ये तो सर हम मतलब ज्यादा नहीं कर पाते, तो इसलिए हम मायके में किराए पे मतलब लेकर रहते हैं, ससुराल को रहना नहीं होता क्योंकि आने जाने में किराया इतना लग जाता है, फिर टाइम से स्कूल भी नहीं पहुंच पाते, तो इसी वजह से हम मतलब यहाँ पे रहते हैं, ससुराल से दूर ही रहते हैं, हफ्ते में महीने में जाना ही होता है वहाँ पे तो बच्चों के पास। अच्छा अच्छा नहीं सही है, अगर ज्यादा दूरी है तो रूम लेकर रहना सही है, रोज इतना आना जाना ट्रैवल करना सही नहीं है, घटनाएं तरह तरह की होती रहती हैं, तो ज्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए। जी सर हम आपकी वीडियो 2020 से सुन रहे हैं सर, और जो नई शिक्षा नीति में लिखा है आप बताते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा है सर, ज्यादा तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ पेज शुरू के या जो शिक्षक वाला पेज है उससे मैंने देखा है, और कुछ करंट जैसा करंट में पढ़ती हूँ उसमें भी कुछ बताते हैं कि मतलब जो लिखा है नई शिक्षा नीति में और जो आप बताते सर वो हो रहा है, तो हमें विश्वास है कि जो चल रहा है वो होगा सर, थोड़ा टाइम में लगेगा। बिल्कुल जो लिखा सर, हुआ इतना है तो विश्वास है जी सर। जो लिखा है बिल्कुल वो सब होगा, जैसे आप जिन बच्चों को पढ़ाती हैं उन बच्चों की किताब में सब कुछ लिखा है, लेकिन फिर भी वो स्कूल आते हैं पढ़ने, उन्हें टीचर की जरूरत होती है, क्यों? क्योंकि तो लिखा तो है लेकिन वो अपने से समझ नहीं पाते हैं, नहीं पाते सर। और वही चीज जब हाँ वही चीज जब टीचर समझाता है तो उनको समझ में आ जाता है ना। हाँ जी सर, हमें आपसे सुनकर ये समझ में आ पाया है नई शिक्षा नीति को ना, वैसे तो सर उसकी लैंग्वेज भी हमको समझ में नहीं आ पाती थी। सरकारी कोशिश की है पढ़ने की कोशिश की, कुछ उसमें इस तरह के लिखे हुए हमारे को वो समझ में नहीं आ पाए, लेकिन आपसे जब सुनते हैं तो थोड़ा थोड़ा समझ में भी आया, और हो भी रहा है सर, ये हम जाने स्कूल में रहते सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल आप स्कूल में है देख रही होंगी, क्योंकि वो सरकारी दस्तावेज है तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है, और वहाँ पर बड़ी से बड़ी बात को छोटे से एक से वाक्य में लिखा रहता है, जैसे वहाँ पर लिखा है कि 2022 तक शिक्षा मित्र और अन्य इस तरह की योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। अब डिटेल में नहीं लिखे हैं पूरा क्या करेंगे कैसे करेंगे। जी सर वो चीजें जब हो रही हैं, उस तरफ गवर्नमेंट बढ़ रही है धीरे धीरे, यूपी में होते दिख रहा है, अन्य राज्यों में होते दिख रहा है, तो धीरे धीरे सामने वो चीजें आ रही हैं, जैसे अभी
बिहार सरकार ने शिक्षक सेवा हाँ चयन जी आयोग बनाया है, जी और सर वहाँ पर चाहे वो प्राइमरी हो, जूनियर हो, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी परमानेंट टीचर नहीं होता था, वहाँ नियोजित शिक्षक होते थे। नियोजित जी सर जी सर शिक्षक वैसे ही जैसे यहाँ शिक्षा में तो होते हैं अनुदेशक हाँ होते जी हैं, वित्त विहीन शिक्षक होते हैं, वैसे ही वहाँ पर नियोजित शिक्षक होते थे। बस फर्क इतना था कि यहाँ पर पेमेंट कम है, वहाँ पर पेमेंट जी ठीक ठाक देते थे, अच्छा देते थे। जी तो वहाँ के टीचर को पता ही नहीं चला कि वो संविदा पर हैं कि परमानेंट हैं, कभी पता ही नहीं चला। अब जी सर कोई नहीं सर जानकार जी सर जानकारी लेने से ही पता चलता है सर हमें तो जब सर हमारा वहाँ के जो बिहार के शिक्षक हैं जो प्राइमरी में जी पढ़ा सर रहे हैं, अब किसी को 20,000 रुपये मिल रहा है, 25,000 रुपये मिल रहा है, तो जी वहाँ के लोगों को लग रहा है कि नहीं, हम तो परमानेंट कर्मचारी हैं, क्योंकि जितने भी जी टीचर हैं सभी नियोजित हैं, परमानेंट टीचर है ही नहीं, तो सब एक जैसे जी दिखते हैं। तो वहाँ के टीचरों को पता ही नहीं था कि हम संविदा कर्मी हैं, ऐसा जी भी कुछ सर हुआ। लेकिन अब जब शिक्षक सेवा चयन आयोग बन गया है तो उनको जी लग रहा है कि अब ये क्या हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो जी भी शिक्षा, वो नई शिक्षा नीति पढ़े नहीं है। अभी हमने एक ऑडियो डाला था, एक मित्र हैं हमारे बिहार में, उनसे बातचीत हुई थी, तो उनको तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ है। वो तो कह रहे थे कि जैसे नहीं, हम लोगों, ऐसे सर हमारे साथी भी हैं, मैं किसी जैसे बताती हूँ अपने साथ से, तो वो यही बोलते हैं कि हम मैंने लगता कि कुछ होगा, मैं उन्हें बस यही कहती हूँ कि सिर्फ आप थोड़ा सा इंतजार और कर लो, जहाँ इतने साल क्या है थोड़ा और इंतजार कर लो, जो होगा वो नई शिक्षा नीति के तहत होगा और सब कुछ धीरे धीरे होगा, हो भी रहा है, तो वो असल जल्दी में से विश्वास नहीं कर पाते। मैं उनको वीडियो भी भेजती हूँ तो वो मुझे यही कहते हैं, अगले दिन फोन करके बताते हैं कि तुम ये बताओ कि तुमने वीडियो में क्या सुना, हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है या हम समझ नहीं पाए। फिर मैं उनको आपकी वीडियो बताती हूँ कि सर ने ये बताया उसने। नहीं तो वीडियो आप बताएंगी तो बिलीव नहीं करेंगे। आप सीधे उनको लिंक दे दीजिए वीडियो का, जी वो पूरी बात जब सुनेंगे डिटेल में। जैसे मैं उनको लिंक भी मैंने दिया हुआ है और मैं उनको डायरेक्ट मतलब पर्सनल जो मैं मतलब आता है लिंक, मुझे ये लगता है कि वो देख ही नहीं पाते, शायद ऐसा भी हो, तो मैं उनको वीडियो भी भेज देती हूँ कि ताकि वो मेरा मैसेज देखे कि हाँ भाई कुछ वीडियो उसने भेज दिया है, तो वो मुझे फिर भी ये कॉल करके कह देते हैं कि वीडियो थोड़ी सी सुनी थी बोर हो गए, अब तुम बताओ शॉर्ट में कि क्या बोला सर ने। असल में है क्या कि नौकरी तो चाहिए, जी सर बस उनको कोई बता दे, कोई दिखा दे, अभी ये चीज हो रहा है, बस तुरंत उनको सामने तैयार चाहिए। सामने बाकी ये बात है हाँ, सर कि अब सामने वो अगर जल्दी से सब कुछ हो जाए तभी इंसान जल्दी से विश्वास कर पाता है। हाँ, जानकारी के उद्देश्य से वो ना कोई डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, ना जी वो पूरी सर बात सुनेंगे, उनको बोरिंग लगता है, वो क्यों सुनने जाएंगे। ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम पूरी बात सुनेंगे ध्यान से तो उस हमें जानकारी मिलेगी, पूरी जानकारी होगी। तो जानती हैं आप, कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है जानकारी से ही। कोई भी बच्चा क्लास में है, एक बच्चा जी पढ़ाई सर करता हो, एक ना करता हो, जो पढ़ाई करता जी होगा उससे जैसे ही सवाल पूछा जाएगा कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होकर बता देता होगा। वो बता देता है सर, जल्दी भी समझ जाता है। जी हाँ, और वही जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, नॉलेज नहीं है, तो वो डरता रहता है, मैडम जी हमसे पूछ न दें, कहीं हमको देख न लें, वो छुपता रहता होगा, मैडम जी जी कॉपी न सर मांग लें। तो हाँ जी कॉन्फिडेंस, हाँ जी कॉन्फिडेंस चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, नॉलेज जी से सर ही आता है। और जी लोग जो है नॉलेज लेना ही नहीं चाहते हैं और जानकारी रखना नहीं चाहते हैं। हाँ, अभी कोई कह देगा कि ये याची बनना है तो तुरंत पैसा देकर के याची बन जाएंगे। हाँ जी सर ऐसे होता है जैसे अभी पीछे हुआ था कि अनुदेशकों के 2,000 रुपये बढ़ाए थे और हम लोगों की घोषणा भी की थी, तो जब से सब यही कोई कहते हैं कि घोषणा की थी उनके बढ़ा दे, हमारे आज तक नहीं बढ़े, घोषणा किए भी 2 साल हो गए, तो आप मैं अगर उनसे ये जुड़ी कहती हैं, हूँ, मैं उनसे बोलिए। ये कहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि उन्होंने हमारे लिए घोषणा की थी वो हमारे लिए बढ़ाए, क्या पता हमारे लिए कुछ और ही प्लानिंग चल रही हो। हम जिस वक्त ये घोषणा हुआ था उस समय के जितने पोस्ट हमारे पढ़ेंगे, हमने हर बार लिखा है कि सिर्फ जो है अन्य लोगों का बढ़ाया जाएगा, शिक्षा मित्र का नहीं, क्योंकि शिक्षा मित्र संविदा कर्मियों में ऑलरेडी सबसे ज्यादा पा रहे हैं, जी सर अनुदेशक अभी भी आज भी शिक्षा मित्र से कम पाते हैं ना। हाँ जी सर अनुदेशक कम पाते हैं जी तो सबसे अधिक शिक्षा मित्र पा रहे हैं, तो वो घोषणा में नाम जरूर शामिल कर लिए थे, लेकिन जो है वो उनको शिक्षा मित्रों के लिए देना नहीं था, उसमें जी नाम रखा सर गया था, तो करना उन्हीं का था जिनका कम था। जी सर और जी हमने लगातार लिखा कि नहीं, शिक्षा मित्र का मानदेय नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब मानदेय की सर बात ही नहीं है, अब संविदा खत्म करके परमानेंट करना है, तो हाँ जी अब मैं उनको मान ये बताती थी कि हमारे लिए कुछ अलग ही प्लानिंग होगी नई शिक्षा नीति के तहत, इसलिए घोषणा तो हुई है लेकिन जरूरी नहीं कि वो बढ़ जाए, कुछ अलग प्लानिंग चलेगी तो हमें 2,000 की जरूरत ही क्या रहेगी फिर। अभी हमने 10 मिनट पहले एक पोस्ट भी शेयर किया है व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, तो जी सर वो पोस्ट भी पढ़ लीजिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा, शायद पढ़ करके कुछ समझ में आए।
उन्हें। जी सर, मैंने पढ़ी अभी आपको पोस्ट पढ़ गई, मैंने आपको अभी कॉल जस्ट नंबर मिलाया सर, अभी 1 महीने पहले भी मिलाया था, तब मिल नहीं पाया था, अच्छा, बल्कि मैंने एक मैसेज सर और डाला था आपको ये जानने के लिए। सर एक बात और बताइए कि जैसे हमारा समागम जब होगा जो उसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक जाति लगती है और एक मूल निवास जो लगता है, वो मतलब पिता पक्ष का लगेगा या पति पक्ष का लगेगा, ये जानकारी सर और चाहिए थी। अभी ये सब सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना कोई कागज बनवाना है ना कुछ परेशान होना है, आप सिर्फ अभी जो है वेट कीजिए। घोषणा ये केंद्र सरकार कर चुकी है, राज्य सरकार के घोषणा का वेट कीजिए और विज्ञापन आएगा, जब विज्ञापन आएगा उसमें डिटेल में सब कुछ लिखा होगा, पढ़ करके सब मालूम हो जाएगा। और कहीं डाउट रहेगा तो अपना चैनल है ही है, हम तो रहेंगे ही हर ग्रुप में। हम आपकी हर वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप से सबसे जुड़े हैं सर, हमें जानकारी से मिलती है बिल्कुल, एक मतलब जो रास्ता दिखाने वाले होते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, इसी तरह सर आपके बिना हमें जानकारी भी नहीं मिल पाती, जानकारी ही जानकारी मिली है सर, इसलिए हम मतलब अच्छा सोचते हैं, अच्छा मतलब शुरू से बच्चों में सर पढ़ाने के लिए ही लगे थे और आज भी यही मन है कि सिर्फ हम बच्चों के लिए ही लगे हैं, चाहे वो हमको 10,000 दे चाहे हमको सर वो 70,000 दे, लेकिन हम बच्चों को ही पढ़ाने के लगे थे और बच्चों को ही पढ़ाएंगे। सरकार जो देगी जब देगी वो देती रहेगी। तो जहाँ है आप वहीं रहिए, जानकारी लेते रहिए, जानकारी से जो है निराशा नहीं होगी। और वैसे जो पिछली सरकारों ने किया है उसकी वजह से निराशा है, क्योंकि इतने साल जो है मिला नहीं कुछ खास, और मिला भी तो गलत तरीके से मिला और रद्द हो गया, इसलिए निराशा है। बिल्कुल आपकी बात सही है सर, जब हमारा समर्जन हुआ था तब हम टेट पास नहीं थे, लेकिन उस टाइम पे जिस स्कूल में सर हम पहुंचे थे ना, वहाँ पर हमें वहाँ के जो हेड थे उन्हें हमें एक ही बात कही थी कि मैडम आप टेट पास कर लीजिए, आने वाले टाइम में ना बिना टेट के कुछ नहीं होगा। तो मैं मतलब हमें लगता था मैं सर कर लेंगे, जब हमें सरकार, हम यही कहते थे कि सर जब सरकार कहेगी हम कर लेंगे, वो बोले कि नहीं मैडम आप कर लो नहीं तो पछताओगे। मगर सर चलो देखते हैं, लेकिन सर वही रहा कि अध्यक्षों के चक्कर में आकर उसमें रहे, पछताए जब समायोजन रद्द हुआ था पछताए, तब वो उनकी बात याद आई और मैंने उन्हें कॉल करके कहा समायोजन रद्द हो गया, सर अगर आपकी बात मैं मान लेती तो मैं आज ये मेरा दिन नहीं होता, लेकिन सर अब आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं टेट पास करूंगी। लेकिन सर मैं 2017 का जो टेट था उसमें 1 नंबर से रह गई थी, लेकिन उसके बाद से जितने भी टेट और सी टेट हुए हैं मैंने सर एक भी नहीं छोड़ा और सभी क्लियर किए हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए गवर्नमेंट हर व्यक्ति को अलग अलग जा करके कान में नहीं बताएगी, गवर्नमेंट अपना नियम बनाती है और सर्कुलर जारी कर देती है। तो 2009 में आरटी एक्ट लागू हुआ, 2010 में जो है टीटी परीक्षा कंपलसरी कर दिया गया और 2011 से टीटी परीक्षा होने लगा। तो अब गवर्नमेंट एक एक व्यक्ति को जाकर के अलग से नहीं बताएगी, वो जब लागू हो गया भारत का कोई भी शिक्षक होगा वो सब पर लागू हो गया, बीएड बीटीसी डीएलएड सब पर, तो गवर्नमेंट अलग अलग नहीं बताती है। खैर तो अभी जो है जो नेता वेता हैं उनसे दूर रहिए, हमें हम कह सकते हैं कि हमारी सर जानकारी की कमी रही है शुरू से ही रही है, क्योंकि सर हम हमारा जो गांव था इंटीरियर में था, शादी से पहले भी जो मायका वो भी इंटीरियर का है, जो ससुराल है वो भी बिल्कुल इंटीरियर का है, इतनी जानकारी नहीं मिल पाई थी उस टाइम पर, अपने पास फोन भी नहीं था। तो सर मैंने वैसे 2006 में बीएड भी दिया था लेकिन नहीं कर पाई जानकारी की कमी से या पैसे की कमी से, लेकिन सर इच्छा बहुत रही है कि कुछ करना है जीवन में कुछ करना है, लेकिन अब आगे ना सर बिल्कुल 2017 से और अब तक तो मेहनत में सर हम कमी नहीं छोड़ते जितना हमसे होता है, वो टैट पास करने के लिए और सी टैट में सर सुपर टैट का हमने 2019 वाला दिया था उसमें भी सर हम रह गए थे 2 नंबर से, लेकिन मेहनत सर उसमें भी कर पाए थे लेकिन मन दुखा फिर जब नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अब जो होने जा रहा है उस पर फोकस कीजिए और ये जो नेता लोग हैं इनसे दूर रहिए। अभी हमने एक लेटर डाला है, इनसे दूर तो सर हम 2000 जब हमारा समागम रद्द हुआ था उससे बाद से सर हम आज तक किसी धरने में नहीं गए, ना ही किसी धरने में सर हमने पैसा दिया। अच्छा है, अभी आज हमने एक लेटर भी डाला है, एक कम्प्लेन हुआ है, यही मैंने पढ़ा है सर, वो पोस्ट पढ़ा है। तो देखिए कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कब होगी, जब कोई कम्प्लेन करेगा तब तो तब होगी, सही बात। तो अभी कंप्लेन किया गया है, एक अनुदेशक के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है, अब वो तो अनुदेशक भी नहीं रह पाएंगे, उनको निकाल दिया जाएगा हो सकता है, या उनको अल्टीमेटम दिया जाएगा भैया सुधर जाओ। जी सर। तो आप लोगों जो है नेताओं चक्कर में न पड़ा कीजिए, बल्कि अगर कहीं कुछ हो रहा है तो उसकी कंप्लेन कीजिए अपने अधिकारी को, और लिखित कोई भी चीज कीजिए लिखित कीजिए। जी सर। चलिए बाकी ग्रुप से आप जुड़ी हैं और चैनल पर जुड़ी हैं, सारी न्यूज लेते रहिए, अपडेट लेते रहिए। अब ये बस इंतजार है वो
जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आना है बीएड वाला, जी उसी का सभी राज्य सरकारें इंतजार कर रही हैं, उसी की वजह से जो है विलंब हो रहा है। जैसे ही ऑर्डर आ ठीक जाएगा इसके बाद है, कभी भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं वो भी, और बीएड बीटीसी डीएलएड सबका, जो भी टेट पास है सबका एक साथ होना है, तो जी सर, इसी वजह से विलंब हो रहा है, थोड़े दिन की और बात है। जी, थैंक यू सर जानकारी देने के लिए, आपने सर हमारा रास्ता एकदम बिल्कुल आसान बना दिया। जी चलिए अच्छी बात है, आप लोग को जानकारी से लाभ मिल रहा है। सर, जी सर, चलिए ठीक है, रखते हैं, ग्रुप में जुड़े ठीक है रहिए, सर, सुनते रहिए। जी सर, जी सर, सर नमस्ते। नमस्ते।